नमस्कार, फिर से एक बार बिहार में महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने भाजपा से जिया साथ छोड़ने के बड़े संकेत दिए हैं। क्या है बड़ी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करिएगा। जीतन मांझी ने भी बड़ा बयान दिया, एनडीए टूट सकता है और एनडीए में से जिया भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ सकती है। बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव का कुर्सी एक बार फिर से मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के सियासत के अंदर बड़े बदलाव के संकेत क्या हैं? लेकिन अगर आप भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार के बदलते मौसम के समाचार को लेकर के आने वाली बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है और इसको लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र से पेशी के साथ अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुरुआत एक बड़ी और मुख्य समाचार से। आपको वह समय याद होगा जब महागठबंधन में रहते हुए एनडीए अलग थलग पड़ गई थी और एनडीए चुनाव हार गई थी। वो समय था जब यह सारा कुछ हुआ 2015 के अंदर। लेकिन एक बार फिर से 2020 में यूपी एनडीए आपस में मिलकर के चुनाव लड़ा। उसके बाद से बड़े भाई की भूमिका में नजर आया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से आरोप लगा, जब से उनने दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए। और इसके साथ ही साथ जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से पुल के उद्घाटन में साफ तौर पे रोड मंत्री नितिन गडकरी जी हाँ ये बड़ा बयान दिए थे उस वक्त कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम को उन्होंने चेंज कर दिया था, बदलाव कर दिया था। जहाँ उप मुख्यमंत्री का नाम रखना चाहिए था, उन्होंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद दे दिया था। इसके बाद में चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन आज यह चर्चा इस वजह से तेज हो गई है कि बिहार के मंत्री ने अपने सभी विधायकों को 72 घंटे का अलॉटमेंट जारी किया है और 72 घंटे तक बिहार से बाहर, यानी आपको बता दें कि पटना से बाहर ना जाने की नसीहत दे डाली है। क्या है बड़ी खबर, आपको विस्तार से बताएं। बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव से पहले बिहार के राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत देखे जा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जातीय जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आपसी मुलाकात ने साफ तौर पे बिहार के सियासी पाले और गरम कर डाले हैं, जिससे साफ तौर पे उबलते हुए जिस तरीके से तेल के अंदर पकौड़ी छानी जाती है, उस तरीके से बिहार का सियासत अब जी हाँ एक अलग पड़ाव पर दिखाई दे रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करने के लिए नीतीश कुमार ने चक्रव्यूह वाला रणनीति तैयार कर लिया है। बेहद बड़ी खबर सामने आई। इसके साथ ही बता दें, बिहार के बदलते मौसम के समाचार को लेकर के बिहार में मौसम समाचार में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बिहार सिवान, गोपालगंज, छपरा, आपको बता दें कि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, इसके साथ साथ बात करेंगे नालंदा और जी हाँ बेगूसराय की, तो इन सभी जिलों में ज़बरदस्त बारिश और धूल भरी आंधी की भी उम्मीदें जाहिर की गई है। हालांकि दोस्तों पहले बता दें कि 534 लोगों की मौत फिलहाल इस साल जी हाँ आपको बता दें कि गरजते बिजली और साथ ही साथ आसमानी बिजली के कारण अभी तक जा चुकी है, जो काफ़ी बड़ा एक रिकॉर्ड होता है। इसलिए आप जब भी बारिश आए उस वक्त घरों से बाहर निकलने से बचें। इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी बचाव की स्थितियों में ज़रूर बाहर निकलें, क्योंकि पिछली बार भी आसमानी बिजली के कारण कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाया था। इस बार भी कुछ ऐसी तेज़ हवाओं जब बहें इस वक्त तेज़ हवाओं के बीच में होने वाली बारिश में बाहर निकलना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप घर से बाहर ना निकलें। एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। वैसे ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता क्या है, ये किसी से नहीं छिपा हुआ। ललन सिंह अपने रिश्ते के लिए, अपने नीतीश कुमार की रणनीतियों के लिए और नीतीश कुमार को सीएम से पीएम बनाने तक के सफर को तय करवाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। ललन सिंह की माने तो वह लगातार जेडीयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहने वाले आरसीपी सिंह ने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर अपना रास्ता तलाश लिया था। अब वही आरसीपी सिंह की मुश्किलें ललन सिंह द्वारा बढ़ाई जा रही है। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में आरसीपी सिंह चुनाव लड़े, और अगर राज्यसभा का मेंबर वह नहीं
नहीं रहते हैं तो फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देना होगा, यानी ना घर का ना घाट का। साफ तौर पर आरसीपी सिंह ने जो काम किया कुछ दिन पहले, इस काम से जेडीयू के नए तौर पर संकेत मिल गए हैं। बड़ी खबर निकल गई सामने आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की पेशी हो रही थी, जिस दौरान विपक्ष के हंगामे से कल 11 बजे तक सदन को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसके साथ साथ आजम खान और यहाँ आपको लगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की दूरियां थी, इसे भी कम करने के लिए आजम खान की कुर्सी आपको लगे कि अखिलेश के जस्ट बगल में लगाई गई है, जिससे दोनों नेता अपने आप को स्थापित कर सके और दोनों नेताओं बीच में चले आ रहे मनमुटाव की स्थितियों को भी साफ किया जा सके। दोनों नेताओं के मनमुटाव क्या है और किस तरीके से ये मनमुटाव आगे बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए साफ साफ शब्दों में कहें तो रोकने के लिए और स्थितियों को साफ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के सियासत में भी बजट सत्र की पेशी में अखिलेश यादव ने विधायकों संग मीटिंग कर सरकार का घेराव करने का फैसला ले लिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। 10 तारीख से आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन गए हुए हैं तेजस्वी यादव। इस दौरान उनकी तरह तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, लेकिन कुछ ही दिन पहले शादी हुई राजश्री से अब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लंदन से कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया, इस पर लगातार लोगों ने और उनके प्रेमी लोगों ने, तेजस्वी यादव के प्रेमी लोगों ने इस पर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। कहा कि कई लोगों ने ट्रोल किया, बहुत अच्छी लग रही है जोड़ी, तो कई लोगों ने रेस्टोरेंट में बैठे खाने खा रहे जी हाँ पति और पत्नी को देखते हुए जमकर लुत्फ लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव राजश्री के साथ लंदन गए और वहां पर उन्होंने तस्वीरों को पोस्ट किया, जिससे बिहार के अंदर काफी लोगों ने, जो तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने सोशल साइट्स पर अलग अलग मीम्स बना करके इसे पोस्ट किया और साथ ही साथ उन्हें इस जोड़ी को भी काफी सराहना की। तो बेहद बड़ी खबर निकल सामने आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, जहां जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात किए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जापान के उद्योगपतियों से आपको बता दें कि भारत में निवेश करने की बात कहते हुए नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस बार का जो सफ़र है, उस सफ़र से पहले उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए थे, जिस बयान के अंदर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ये इस बार का यात्रा काफ़ी सुखदायी और अनुभवदायी होने वाला है। हमें उम्मीद है कि इस बार के हमारे इस सफर से देश के अंदर परिवर्तन और विकास का एक नया मार्ग शुरू होगा। इस मार्ग को करने के लिए वह लंदन गए, सॉरी आपको बता दें कि वह जापान गए और जापान के उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने की लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन भारत अपने किसी भी समझौते के लिए इनकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत में जब तक कई चीजों का समझौता है, जिस समझौते से वह टाल बटाल नहीं कर सकता। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, किसान नेता राकेश टिकैत और BHUs यानी आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन से जब बाहर दोनों भाई निकल चले हैं, उन पर अलग अलग तरीकों से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत और किसान नेता राकेश टिकैत के भाई पर एक और बड़ा सुर्खियाँ बनती हुई नजर आई, जहाँ कहा जा रहा था कि किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं उन पर तालाबों को भरवा करके अवैध तरीकों से संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और सरकारी संपत्तियों को जबरन कब्जा करके रखने का आरोप लगा, जिसके बाद में वह अपने शक्तियों का ऐलान किए। हालांकि दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की शक्तियों का ऐलान नजारा उस वक्त देखने को मिला था जब दिल्ली के अंदर किसानों ने प्रवेश कर 26 जनवरी के अवसर पर जमकर आपको बता दें कि बवंडर काटा था। उस दिन आपने सब कुछ देखा होगा। इसी तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान इस वक्त दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम किया गया, बेट को कम किया गया, राज्य सरकारों ने भी अब कई जगहों पर बेट को कम कर लोगों को राहत की तस्वीरों को देने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान लोगों को काफ़ी सुकून और अच्छा खबर उनके लिए कि राहत की तस्वीरें उनके लिए आने वाली है। हालांकि दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ समय पहले पेट्रोल की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि देश में महंगाई एक अलग रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही थी, लेकिन फिलहाल
फिलहाल ये महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई है, नियंत्रण में ले ली गई है। ITT न्यूज के लिए दीपक कुमार सिंह की डेस्क रिपोर्ट। बने आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।